महादेव बेटिंग ऐप में जांच एजेंसी ईडी लगातार जांच कर रही है और इस मामले में कई बॉलीवुड के बड़े सितारे जो हैं वो ईडी के रडार पर हैं। अब सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बॉलीवुड के बड़े स्टार रणबीर कपूर को जांच एजेंसी ईडी ने समन्स भेजा है और ये समन्स महादेव बेटिंग ऐप जो पूरी तरह से इलीगल है उस बेटिंग ऐप में आरोप लग रहे हैं रणबीर कपूर पर कि रणबीर कपूर ने इस ऐप को प्रमोट करने के लिए बड़ी मात्रा में पैसे लिए हैं। अब ईडी की जांच में जब ये पता चला है कि बॉलीवुड के बड़े सितारे और रणबीर कपूर जो हैं उन्होंने महादेव ऐप को प्रमोट करने के लिए बड़ी रकम ली है, ये जांच ईडी की जांच में सामने आया है, जिसके बाद ईडी ने अब रणबीर कपूर को समन्स भेजा है और 6 अक्टूबर यानी कि आने वाले शुक्रवार को रणबीर कपूर को मुंबई के इसी ईडी दफ्तर पर आना है और ईडी के सामने ईडी के अधिकारियों के सामने अपना पक्ष रखना है। ईडी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि महादेव बेटिंग ऐप जो पूरी तरह से इलीगल है और उसको प्रमोट करने के लिए रणबीर कपूर ने मोटी रकम ली है, ये जांच में पाया गया। यही वजह है कि ईडी अब रणबीर कपूर को समन्स की है और 6 अक्टूबर को रणबीर कपूर को ईडी के सामने पेश होना है और अपना पक्ष रखना है। साथ ही साथ ईडी सूत्रों से यह भी जानकारी मिल रही है कि इस पूरे मामले में रणबीर कपूर ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के ए लिस्टर के तकरीबन 12 से ज्यादा बड़े सेलिब्रिटीज ईडी के रडार पर हैं, जिन्होंने महादेव जो बैटिंग ऐप है उसको प्रमोट कर करोड़ों रुपए लिए हैं और बताया जा रहा है कि जो पैसे हैं वो हवाला के जरिए सभी बड़े सितारों को मिले हैं। तो अंदाजे लगा दीजिए कि महादेव बैटिंग ऐप कितना बड़ा जो घोटाला था उसमें कई लोग फंसे थे, कई लोगों की जो गाड़ी कमाई थी वो इस ऐप में बर्बाद हो चुकी थी और ईडी सूत्रों का मानना है कि इस पूरे ऐप में लगभग 20,000 करोड़, जी हाँ 20,000 करोड़ का ये पूरा कारोबार है और 20,000 करोड़ का गबन करके जो उसका मेन मालिक है, जो आरोपी है महादेव बेटिंग ऐप का, जिसका नाम सौरभ चंद्राकर है, वो अब जाकर यहाँ से हिंदुस्तान से भागकर दुबई में शिफ्ट हो गया है। कुछ साल पहले ही सौरभ चंद्राकर की शादी हुई थी और बताया जा रहा है कि उसने अपनी शादी में तकरीबन 200 करोड़ नकद रुपए खर्च किए थे और उसकी शादी में बॉलीवुड के तकरीबन 14 बड़े सितारों ने उसकी शादी में दुबई में जाके परफॉर्म किया था, उसके एवज में 14 बड़े सितारों ने करोड़ों रुपए भी लिए थे, वो भी ईडी के रडार पर हैं। साथ ही साथ ईडी की जांच में ये भी पता चला है कि बॉलीवुड और टॉलीवुड के जो बड़े ए लिस्टर सितारे हैं जिन्होंने महादेव ऐप को प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए लिए हैं, साथ ही साथ कई स्पोर्ट्स से जुड़ी सेलिब्रिटीज हैं वो भी ईडी के रडार पर हैं और बहुत ही जल्द ईडी इस पूरे मामले में जो स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी हैं उनको भी बुलाकर पूछताछ करेगी और उनका पक्ष जानने की कोशिश करेगी। लेकिन पहला नाम जो सामने आया है वो बॉलीवुड का जो बड़ा सितारा है रणबीर कपूर, उससे ईडी ने समन जारी किया है और 6 तारीख को ईडी के सामने रणबीर कपूर को पेश होना है और अपना पक्ष रखना है। सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि रणबीर कपूर ने महादेव बेटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए लिए हैं और वो पैसे कहां से आए, किसके जरिए रणबीर कपूर तक पहुंचे हैं और रणबीर कपूर ने उन पैसों का क्या किया है, अपने अकाउंट में किस तरह से दिखाया है, इसकी पूरी जानकारी जो है अब ईडी जो है रणबीर कपूर से मांगने की कोशिश करेगी। यही वजह है कि ईडी ने अब इस पूरे मामले में रणबीर कपूर को 6 तारीख को समन्स भेजा है और समन्स भेजने के बाद उन्हें पूछताछ के लिए यहाँ बुलाया गया है और माना जा रहा है कि जब रणबीर कपूर आएंगे तो अपनी लीगल टीम के साथ ईडी दफ्तर पहुंचेंगे और जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि प्रमोट करने के लिए जो महादेव बेटिंग ऐप है उसे प्रमोट करने के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए लिए हैं, उसके एवज में वो अपना पक्ष रखेंगे, अपना जवाब देंगे। आपको बताना चाहिए महादेव बेटिंग ऐप 2016 से चल रहा है और जो महादेव बेटिंग ऐप का मालिक है सौरभ चंद्राकर वो इस बेटिंग ऐप को चलाता था और लगभग 20,000 करोड़ का ये पूरा कारोबार है और इस बेटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए सौरभ चंद्राकर जो मेन आरोपी है वो हिंदुस्तान से अभी भाग चुका है, फरार चल रहा है और उसने अपने बेटिंग ऐप को जो पूरी तरह से इलीगल है उसे प्रमोट करने के लिए कई बड़े बॉलीवुड सितारों का सहारा लिया, उनको पैसे देकर बुलाए और अपने बॉलीवुड जो अपना ऐप है उसे प्रमोट करने के लिए उन्हें करोड़ों रुपए दिए। कई टॉलीवुड के भी एक्टर्स एक्ट्रेस इसमें शामिल हैं और क्रिकेटर जो स्पोर्ट्स फैटर्निटी के लोग हैं वो भी इसमें पूरी तरह से शामिल हैं जिन्होंने महादेव बैटिंग ऐप को प्रमोट करने के लिए करोड़ों रुपए लिए हैं। अब इस मामले में सबसे पहला नाम जो सामने आया है वो रणबीर कपूर का है, इसलिए ईडी की जांच में ये पता चला कि रणबीर कपूर के साथ साथ बॉलीवुड के ए लिस्टर के 12 से ज्यादा बड़े सितारे ईडी के रडार पर हैं और सूत्रों का मानना है कि उन्हें जल्द ही इस पूरे मामले में जो महादेव बेटिंग ऐप जो ईडी जांच कर रही है उस ऐप मामले में कई बॉलीवुड सितारों को समन्स कर पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है।